एक महिला बैठी हुई है, उनके फैमिली मेंबर्स ने मतलब उनको इस तरह से चेन से बांधा हुआ था। लगभग 5 साल से मतलब वो एक जगह इस गंदी जगह पे सोए हुए थे। उनको खाने का ठिकाना नहीं था, कपड़े का भी इवन इनके पास ठिकाना नहीं था। तो वो चेन वगैरह काट के हमने और वो बहन को यहाँ लाया था, एक अच्छी जिंदगी देने का प्रयत्न किया था हमने। ये महिलाएं जन्मजात मतलब मानसिक होती नहीं है, इनको कोई ना कोई आफ्टर शॉक वगैरह कुछ ऐसी दुर्घटना घटना बनने के हिसाब से ये मानसिक रोगी हो जाते हैं। मेरा नाम अशोक जैन है। हमारा एनजीओ अरवली जिला गुजरात के अंदर बना हुआ है। पहले दिन हमारे पास 3 फीमेल थे, अभी हमारे पास 200 प्लस महिलाएं हैं। नाम का भी इनको मालूम नहीं होता कि इनका नाम क्या है। और मेन चीज मेन इनकी इतनी इनके पास में बदबू आती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ लाने के बाद में सबसे पहले इनको नहा धो के फ्रेश करके इनको प्रेम और रूफ दिया जाता है। सबसे बड़ी इनकी डिमांड वही होती है। अभी हम दिन में एक टाइम का 257 लोगों को मतलब खाना खिलाते हैं। 2 टाइम खाना होता है और 2 टाइम चाय नाश्ता होता है। हमारे पास ये सारी महिलाएं मनोदिव्यांग होती है, रेगुलर इनको 2 टाइम हमको दवाई देनी पड़ती है। इन महिलाओं के लिए हमको सैनिटरी पैड वगैरह की जरूरत होती है, डायपर। हमारे पास एजेड पेशेंट भी है कि डेली 50 से 60 हमको डायपर की भी जरूरत रहती है। इन महिलाओं की अच्छे से अच्छी देखभाल, उनकी पारिवारिश बहुत अच्छी तरह से हम कर सके, इसके लिए आप अपना अमूल्य डोनेशन हमको दे सकते हो। आपका डोनेशन 100% इनके लिए ही यूज होगा, ये हम पूरी निष्ठा के साथ में कहते हैं। जय अम्बे।